प्रेमी द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, बात से बात निकले प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट मुश्ताक बर्क। आज हमने एक यंग डायनामिक फिल्म मेकर को दावत दी है जिनका नाम जनाब शबीर खान साहब है। शबीर साहब, आपका इस्तकबाल है शो में। शुक्रिया। देखा जाएगा तो आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए थे, तो फिल्म मेकिंग का कैसे आए और इंस्पायर कैसे हुआ फिल्म मेकिंग में? शुक्रिया मुझे यहाँ पे शो पे बुलाने के लिए। जैसे आपने बात की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, मैं तो बोलूँगा ये फिर भी थोड़ा रिलेटेड है इसमें हिस्ट्री, जैसे फिल्म मेकिंग में हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट रहता है। लेकिन मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट रहा हूँ टिल अच्छा। 12th, और जैसे यहाँ पे सभी पेरेंट्स का, अब खैर चेंज हो गया, लेकिन तब के ज़माने में सभी के पेरेंट्स का यही एक टैबू तमन्ना था रहती थी, ख्वाब रहती थी कि जी, हमारे बच्चे या तो डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर या और कोई इंजीनियर ऑप्शन ही नहीं थी जी, तब एक्चुअली मालूम नहीं था। जी। और मुझे भी भेजा गया था इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 12th के बाद, तो बट एक साल मैंने किया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। देयर वॉज समथिंग, मतलब शुरू से ही, बट ना ही मुझे मालूम था ना ही मेरे पेरेंट्स को मालूम था कि इन्फ्लेशन कहाँ की कहाँ पे ओर है है, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे उस टाइम पे एक्सपोजर उतना नहीं था। फिर मैंने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस और इस हिस्ट्री में हिस्ट्री में। जी। फिर उसके बाद इत्तेफाकन हमने एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया करता था, तो उसमें एक ऐड था कि फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए, जी तो इस तरह से मैं फिल्म मेकिंग में आ गया। मैंने अप्लाई किया तो रिटन टेस्ट हुआ, जी उसमें क्वालिफाई किया मैंने। फिर उन्होंने ओरिएंटेशन के लिए वहाँ पे बुलाया, एक हफ्ते के लिए वहाँ पे बुलाते हैं वो, जिसमें इंटरव्यू भी रहता ये और बाकी फॉर्मल ये सब। ट्रेनिंग आपने कहाँ से ले ली? इंस्टीट्यूट ऑफ ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है अच्छा कोलकाता में, जी। जो कि एट पार विद FTI, दे बोथ आर रन बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकाटा में। ये वाला ये रिसेंट है, FTI बहुत पुराना है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 95 में हुआ था सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन जी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने किया था फिल्म मेकिंग कोर्स 3 साल का। जी आपने जो फिल्में बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड फिल्में बनाई है, उसमें एक खास चीज़ है, आपने शेफर्ड लाइफ को बहुत ही दर्शाया है, उसकी कोई खास रीज़न? खास रीज़न नहीं, मतलब बचपन से मैं इनको देखता था, जैसे जब वो माइग्रेशन करते थे, हम छोटे थे तो सड़क पे इनको देखा करते थे, इनकी लंबी लंबी कतारें इनके घोड़ों के साथ और इनके माल मवेशी के साथ मैं देखता था। तो मैं, मेरे जहन में ये क्वेश्चन रहता था कि ये आते कहाँ है, जाते कहाँ है, तो वो क्यूरियोसिटी थी। फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पर फिल्म बनाए और इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करें। तब तक कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स इन पे कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं था, जो मैंने मेरी नॉलेज में जितना भी था, तो मुझे कुछ इनके बारे में उतना मिला नहीं इंटरनेट पे या इनके ज़िंदगी के बारे में। सो मैंने सोचा क्यों ना इन पे फिल्म एक बनाए। या आपने रिसर्च बेसिस बनाई या आपको बना बनाया कंटेंट मिला उस पर? बेसिकली एक हिचकॉक का एक बहुत फेमस कोट है, वो जी बोलते हैं कि इन इन फीचर फिल्म्स गॉड इज़ द डायरेक्टर, इन गॉड इज डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ही सेज इन फीचर फिल्म्स डायरेक्टर इज़ द गॉड, इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स गॉड इज़ द गॉड इज डायरेक्टर। द डायरेक्टर। सो मैं तो मुझे लगता है 100% ट्रू है ये। रिसर्च नहीं थी, इत्तेफाकन मैं जो मेरा मेन कैरेक्टर है इस फिल्म में शेफर्ड से, उससे मिला। बेसिकली मैं रिसर्च के लिए जा रहा था तो मैं उनसे मिला, फिर उनको मैंने फॉलो किया, और वाइल फिल्मिंग मैंने काइंड ऑफ रिसर्च भी हुआ साइमल्टेनियसली। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है जो कश्मीर बेस्ड है, आप एजुकेशन बेस्ड, या कोई ऐसी कोई फिल्म जो बहुत मकबूल हुई? मैं मोस्टली इंटरेस्टेड हूँ ह्यूमन स्टोरीज में, जी और ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 10-12 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, तो मोस्टली कश्मीर बेस्ड ही। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने दिल्ली में दिल्ली बेस्ड थी, जिसका नाम फियर एंड फ्रीडम था, तो
अपार्ट फ्रॉम दैट सभी मेरी फिल्म्स कश्मीर बेस्ड ही है, और सभी फिल्म्स इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स के लिए ही था, जैसे एनएचके जापान का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उनके लिए, और साउथ कोरिया के लिए और अलजीरा के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। अपने वर्ल्ड अब्रॉड भी गए हैं आप, वहाँ पे भी देखा है आपको, क्या सीखने को मिला आपको वहाँ पे एज अ फिल्म मेकर? फिल्म जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे जो एडिटिंग पढ़ाते थे, वो बोलते थे यू शुड रिमेन ऑलवेज रिमेन ओपन टू सजेशंस। वो कहा करते थे कि इवन कोई जब उनका ऑफिस बॉय चाय लेके आता है, अगर वो कभी मुझे बोलेंगे इसमें एडिटिंग में ये कुछ सजेशन देंगे, वो सो भी सच। मैं अच्छा भी उसको उस पर सोचता था। सो अगर जी। मुझे अच्छा लगता था तो आई थिंक वही एक वो हमेशा एक फिल्म मेकर को रखना चाहिए उसके माइंड में कि ही शुड बी ओपन टू कितना कितना सजेशंस। इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव होना एक फिल्म मेकिंग में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वो आपकी दैट इज द बेसिस जो आपको ले जाएगा फिल्म मेकिंग में, इवन क्रिएटिव, इवन इफ यू आर अ राइटर, सो क्रिएटिव होना इज अ मस्ट इन दिस, क्योंकि मैं तो इसको क्रिएटिव फील्ड ही बोलूंगा। सो बहुत ही जरूरी है क्रिएटिव होना। आपने आपके प्रोफाइल में लिखा योर सेल्फ स्टाइल, आपने आप क्रू भी खुद हैंडल करते हैं, फिल्म भी बनाते हैं, शूट भी करते हैं, एडिटिंग, ये इतना सारा काम आप कैसे करते हैं? मैं इसका क्रेडिट अपने फिल्म इंस्टीट्यूट को दूंगा। हमारा फर्स्ट ईयर जो रहता है वो इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है, जी जिसमें साउंड एडिटिंग, डायरेक्शन और कैमरा सिखाते हैं, तो वहाँ पे बेसिक नॉलेज सबकी मिली। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, तब अभी तो आजकल माशाल्लाह बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे इन 2010 मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे शूट करी थी। तो हालांकि मैं बहुत अपने कोलीग्स को जानता था, बहुत सारों को जानता था जो आ सकते थे कैमरा करने के लिए, बट देन उसमें मेरे पास उतने तब रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। सो आई थॉट ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग तो थी मेरे पास, तो मैंने खुद से स्टार्ट किया, और विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग, क्योंकि तब डिजिटल आ गया था, डिजिटल कैमराज एंड ऑल, तो अदरवाइज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर फिल्म कैमरा होते तो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, हालांकि हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई है फिल्म कैमराज पे भी और फिल्म एडिटिंग पे भी, बट वो दैट वुड बी एन बहुत बड़ी रिस्क होती अगर मैं वो करता। अच्छा, रिगार्डिंग योर सोर्सेज, जो आपने इनिशियली फिल्म बनाई है, तो किसने आपको हेल्प किया? घर वालों का कोई इसमें था, सा हाथ था आपका? घर वालों का मॉरल सपोर्ट तो था ही, बट मैंने बेसिकली एक ट्रेलर बनाया जिसके लिए ऑफ कोर्स मुझे कैमरा हायर करना पड़ा और एडिट के, तब मेरे पास अपनी मशीन नहीं थी, मतलब एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर वन सीमेंट। मैकबुक नहीं था एडिट जिस पे करूँ, सो स्टूडियो पे जाना पड़ा, उसके लिए घर वालों ने हेल्प किया, और फिर ट्रेलर बना के मैंने पिच करा उसको, फो फाइनली फाइनल फिल्म के लिए मुझे आई गॉट द मनी ब्रॉडकास्टर्स से। घर में कैसा, मतलब जब आप फिल्म मेकर बने, आपके पेरेंट्स ने आपको वेलकम किया, क्रिटिसाइज किया, या फिर आपको एनकरेज किया आगे बढ़ने की? थैंकफुली मेरे जो फादर है वो उनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स आर्ट, वो पेंटिंग जी करते जी थे अच्छा। और कभी कभी दूरदर्शन में ही वुड ऑल्सो सिंग, तो आई थिंक दैट वॉज अ प्लस पॉइंट मेरे लिए। बट जैसा कि मैंने बोला, आई थिंक एक्सपोजर नहीं था यहाँ पे, सो इन स्पाइट ऑफ बींग हिमसेल्फ एन आर्टिस्ट, तो वो चाहते थे कि ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आई थिंक मैं उसको बोलूंगा दैट वॉज लैक ऑफ एक्सपोजर की कमी थी एक्सपोजर, तो शायद। हमें मालूम नहीं था कि इसमें इतना इसमें भी स्कोप इंसान है। एक करियर बना सकता है, आप फिल्म मेकर बने हैं, आपने भी एब्सोल्युटली पढ़ा, तो इसमें भी एक इंसान अपना फ्यूचर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली तो जानना चाहेंगे कि जो आपने श्रीनगर में या कश्मीर में लेके फिल्म बनाई, आपने दिल्ली में फिल्म बनाई, तो ज़्यादा डिफिकल्टी कहाँ फेस आने पड़े आपको?
मुझे लगता है फिल्म मेकिंग आप कहीं पे भी बनाए डिफिकल्ट है ही इन अ वे, आपको यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम, फिर आपको फिल्म में रहना पड़ता है। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे, अनलेस इट्स एक्सट्रीम, ये दिल्ली और यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था। हाँ, जहाँ पे आप कहीं पे जाते हैं जहाँ पे एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पे यू माइट फील थोड़ा सा हैंडीकैप्ड। डिफिकल्टी आ जाती है। राइट, अच्छा, फिल्म मेकिंग जो आज आप देख रहे हैं, बहुत सारी हमारा जो यूथ है इसमें आ गया है, आप कितने सेटिस्फाई हैं उनके काम से? लकीली अभी आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं और बहुत सारी फिल्म्स भी बनती है। मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म फेस्टिवल में एज जूरी गया था। फिल्म फेस्टिवल का नाम नहीं बताऊंगा पुणे अभी, में वो जो हुआ नहीं, पुणे बट में, अच्छा। जी मतलब इंडिया में ही था, सो इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर उसका नाम, अच्छा, बट वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज थी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और माशाल्लाह बहुत सारी बहुत अच्छी फिल्में थी मेड तो बाई यहाँ के कश्मीरी पीपल। लोकल, जो हमारी जी लोकल, तो एब्सोल्युटली, ये एक आप एक ये नहीं कर रहे, एक प्रमोशन कर रहे हैं कि इस फिल्म मेकिंग में भी एक करियर है। जो जो लोग स्ट्रक होते हैं करियर में, क्या है, क्या रहेगी आपकी उनके साथ अपील, क्या रहेगी? द फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा कि लिसन टू योर हार्ट, और किसी की मत सुनिए आप, जी जो जिसमें आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि फिल्म मेकिंग में ही आपको जाना है, तो फिल्म मेकिंग में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सो गो गो फॉर इट। द ओनली थिंग इज़ कि आपको आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा और आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, सो बट देयर आर ऑप्शंस, ये दिस इज़ ऑल्सो ए कैरियर। कितना स्कोप है अगर हम एक जो एक नौजवान है जिसने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ फिल्म मेकर, कितना बड़ा स्कोप है उसको आगे बढ़ने का? आई वुड से स्काई इज़ द लिमिट। स्काई। अभी रिसेंटली दिस ईयर हमारी एक डॉक्यूमेंट्री, आई मीन फ्रॉम इंडिया इट वेंट टू ऑस्कर्स, आई थिंक दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि यहाँ से ऑस्कर में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, सो आई थिंक बहुत सारा स्कोप है, उतना ही स्कोप है जितना डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए, उतना ही स्कोप फिल्म मेकिंग में भी है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम एक फॉर्मल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको जो बाहर नहीं जा सकते हैं, या आप फिल्म मेकर एक वर्कशॉप, थोड़ा थोड़ा वर्कशॉप करके इन जो नए नए हमें यूट्यूबर्स मिलते हैं उनको फिल्म मेकिंग के लिए और इंस्पायर करें? क्या रोल रहेगा आपका उनको आगे बढ़ाने में? आई थिंक ये आई मीन उनको क्रिएटिव नहीं बना सकते, बट उनको पॉलिश किया जा सकता है विद वर्कशॉप्स, एंड इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग कि उनको वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करें। अगर कॉलेज में भी, अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट वो मोस्टली जर्नलिज्म कोर्स, एंड आई वुड से जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट, सो उनको थोड़ा पॉलिश करने के लिए वर्कशॉप्स एंड फॉर्मल ट्रेनिंग्स इज़ वेरी वेरी मस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा 3 साल का कोर्स रहता है एडिटिंग में भी, कहने के लिए जो टेक्निकलिटीज़ रहती है वो 6 महीने में भी सीख सकता है, लेकिन हम 3 साल वहाँ पे इसलिए वो देते हैं ताकि हमारा जो वो हम उसको पॉलिश करें, जो हमारी क्रिएटिविटी है, सो इसीलिए उतना टाइम हमें लगता है। हम फिल्में देखते हैं वहाँ पे, दूसरों लोगों का काम देखते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, जिससे हमारा वो पॉलिश होता है, हमारे स्किल्स पॉलिश होते हैं। आपके पास कोई जो यूथ आपके पास आते हैं सीखने के लिए, तो आप उनको इक्विपमेंट या बाकी हेल्प करते हैं, किस तरह का हेल्प रहता है आपका? इक्विपमेंट्स की आज के ज़माने में आप बहुत सारे लोग तो इवन मोबाइल फोन से भी शूट बना करते हैं, सकते सो आई हैं, डोंट थिंक कि आई डोंट थिंक इक्विपमेंट कोई बैरियर हैंडीकैप है बन सकता आजकल। है? द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी क्रिएटिविटी, इक्विपमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे बहुत दफ़ा ऐसा भी किया कि मैंने अपने मोबाइल से जो शॉट्स लिए वो मैंने यूज़ करे फॉर डॉक्यूमेंट्रीज, और वो इंटरनेशनल चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट हुए है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है फिल्म मेकिंग को लेके? होपफुली मैं फिक्शन फिल्म बनाऊंगा इंशाल्लाह, सो दैट्स माय फ्यूचर प्लान, दैट्स माय अच्छा, गोल। फिक्शन पे काम करेंगे आप? जी अच्छा, इंशाल्लाह, कोई स्क्रिप्ट आपने ले लिया जहन में, या अभी आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं है? बहुत टाइम से कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट पे काम, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा हूँ अभी तो, बट हाँ बहुत टाइम से एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आई होप 1-2 साल में आई वुड बी एबल टू मेक ए फिल्म। जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्री ग्रामर उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि ताकि वो भी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना सके?
इट डिपेंड्स, डॉक्यूमेंट्री के बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं, लाइक एनवायरमेंटल डॉक्यूमेंट्रीज या बायोग्राफीज रहते हैं या फिर जहाँ पे कुछ। बायोपिक्स की बात आ रही है आजकल, बहुत कम काम हुआ उस पे, उसकी क्या खास वजह क्या होगी उसमें? बन रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं भी दोनों विलिंग होने चाहिए, और समटाइम्स पीपल थिंक के इंटरव्यू बेस्ड बिकम्स काइंड ऑफ वेरी बोरिंग अनलेस उनको थोड़ा क्रिएटिवली उसको करे, तो जी बट देयर इज स्कोप उसमें बायोपिक्स में भी। अर्लियर फिल्म डिवीजन ने बहुत सारा काम किया है बायोपिक्स पे, बायोग्राफीज पे। आई थिंक उनके पास काफ़ी सारा। आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है आप बायोपिक बनाना चाहते हैं किसी की? मैं अभी रिसेंटली पुणे में था, जहाँ पे सरहद जम्मू एंड कश्मीर फिल्म जी फेस्टिवल जी हुआ जी था रिसेंटली। जी मेरी भी डॉक्यूमेंट्री थी वहाँ जी पे, विच वन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड वहाँ पे, उसका उस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? द लास्ट होप। द वो लास्ट एक्चुअली होप। जी जी सीक्वल है शेफर्ड्स ऑफ पैराडाइज का, जी जी सीक्वल जी है। जी तो वहाँ पे पहले भी मैं उनसे मुलाकात हुई जी, प्राण किशोर जी जी कौल जी के जी जी साथ। उन्होंने एक बुक लिखी है शीन द वातपोत, बिल्कुल जो शेफर्ड्स के बारे में जी मैं ही है। सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वेरी कीन टू मेक अ फीचर फिल्म ऑफ दिस। तो मैं उनसे पहले भी मिला था, अभी भी मैं उन्होंने इनफैक्ट हमें जो यहाँ से डेलीगेशन गया था कश्मीर से, उन्होंने होस्ट किया हमें डिनर पे। जी तो मैं उनके आई वॉन्ट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट हिम, बायोग्राफी। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर, टूवर्ड्स लिटरेचर। तो मैंने उनसे बात करी है, सो इनशाला आई विल मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट हिम। तो आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक एनकरेजमेंट मिल रही है बाहर, जो भी हमारे नौजवान फिल्म मेकर्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिल रही है? एब्सोल्युटली, मैं इंडिया की बात करूँ तो पीपल हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू सी फिल्म मेड बाई लोकल्स ऑफ कश्मीर। अच्छा तो चाहते हैं कि यहाँ की बहुत पर, क्योंकि उनका एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन दीज फिल्म गिव देम। तो वो चाहते हैं कि आई थिंक ऑप्शन तो बहुत सारे हैं फॉर फिल्म मेकर्स फ्रॉम कश्मीर। अच्छा ये बहुत सारे लोग ऐसे फिल्म मेकर बनते हैं जी वो एक्सीडेंटल फिल्म मेकर बनते हैं, क्या इसके लिए हमारे पास कोई एक पैकेज है या कोई कोर्सेज है जो हम इस शहर में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं? आई थिंक अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी सम क्रैश कोर्सेज, जिसके लिए जो भी इंटरेस्टेड हो यूनिवर्सिटीज, और इसमें तो है। योर ग्रेविटी इन फिजिक्स डोंट कॉल द शॉट्स एंड साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन यू। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस। That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. A part of curriculum, but I think agar ऐसे क्रैश कोर्सेज भी गवर्नमेंट करते हैं जिसमें कोई भी आ सकता है जो हु इज़ इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, वो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी पे है, कितनी सारी लोग आपके पास आते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हम एक फिल्म यूनिट बना सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी? बेसिकली मैं बहुत लो प्रोफाइल हूँ, बहुत कम लोग मुझे जानते हैं, बट अगर कोई मेरे पास आता है असिस्ट के लिए, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई नॉलेज विद देम। क्या कुछ अगर हम फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्ट करता हूँ इस इंडस्ट्री पे, क्या कुछ इसका स्कोप है आगे बढ़ने का? डिपेंड्स आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्रीज जनरली बहुत कम लोग देखते हैं, इंडिया में तो बहुत ही कम लोग देखते हैं, बट इंटरनेशनली पीपल डू वॉच लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज लाइक जापान एंड ऑल। वहाँ पे लोगों का बहुत, क्योंकि उनको लगता है ये रियल स्टोरीज है, सो दे गेट द चांस टू नो, लोगों को अच्छी तरह से जान सकते हैं वो थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज। आई थिंक स्कोप है, बट इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज में ज़्यादा स्कोप नहीं है। सो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मे बी फॉर फिक्शन इक्विपमेंट लाइक एडिटिंग या फिर कैमरा इक्विपमेंट, बट वो पहले के कंपेयर टू फिल्म, जब फिल्म का दौर होता था, मीडियम रहता था फिल्म, अभी डिजिटल हो गया, तो अभी बहुत कॉस्ट बहुत कम हो गया तब से। आपको लगता है कि टेक्निक जो इन्वॉल्व अब हो रही है फिल्म मेकिंग में वो हेल्पफुल है या वो क्रिएटिविटी को क्रश करती है? इट वर्क्स बोथ वेज।
अच्छा इट कैन क्रैश भी कर सकती है और एनहेंस भी करते हैं फिल्म मेकिंग. लेकिन जैसे आजकल बहुत सारे टेक्निक्स है, आप कैमरा को कैसे भी यूज कर सकते हैं. पहले कैमरा इक्विपमेंट्स बहुत हैवी होते थे, तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते थे उनके साथ. आजकल यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स कैमरा के साथ. तो आपका ये कहना क्या है कि टेक्निक हम क्रिएटिविटी को पैरेलल रख के उसको एनहांस कर सकते हैं. जी अभी तो बिल्कुल कर सकते हैं. आपने कितनी यूज टेक्निक और कितना क्रिएटिव काम किया, जो आप रेट क्या करेंगे आपने फिल्म में क्रिएटिविटी को या आपने टेक्निक जो टेक्निकलिटीज आपकी इक्विपमेंट से आती है? मैं तो ज्यादा रेट करूंगा कि मेरा कंटेंट क्या है, विच इज ट्रू सभी फिल्म्स के लिए कि आपका कंटेंट क्या है. फिर आप कितने भी क्रिएटिव, आप अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने कितनी भी टेक्निक्स यूज किए हैं, तो आपकी फिल्म कोई देखेगा नहीं. लोग फिल्म देखने नहीं जाते कि इसका कैमरा अच्छा है या फिर इसकी इसका साउंड. उनका बेसिक ये होता है कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बाकी चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर टेक्निकली अच्छा नहीं है. अच्छा, तो आई थिंक क्रिएटिव कंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, या जहाँ तक कंटेंट की बात है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी का दौर है, जहाँ पे विजुअल्स का तो वहाँ पे टेक्निक, तो ये कुल मिला के एक पैरेलल चलता है दोनों. एब्सोल्युटली, विजुअल्स भी एक क्रिएटिविटी है कि आप अपने फ्रेम में क्या क्या दिखाएंगे, आप ये चीज रखेंगे फिल्म, वो तो इट्स काइंड ऑफ पेंटिंग, आपकी लाइटिंग कैसी हो, तो उस वो भी क्रिएटिविटी है. क्रिएटिविटी इवन साउंड में भी है क्रिएटिविटी. सो फिल्म मेकिंग का एंटायर थिंग इज अबाउट क्रिएटिविटी. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर ने साउंड आपने किस पे रिकॉर्ड किया हो या फिर आपने फिल्म शूट किस पे किया हो, लेकिन आपने शूट कैसे किया हो, आपका फ्रेमिंग कैसा है, वो दैट्स पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी. क्या आपने कश्मीर जो हमारा ओपरा है, जो इस पे बहुत काम हुआ है, उसकी खास वजह क्या है, या आपको कुछ ऐसा अपकमिंग प्लान्स हैं जहाँ पे आप ओपरा को शूट करेंगे? मैं मोस्टली ह्यूमन स्टोरीज में ही इंटरेस्टेड हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर आई एम नॉट श्योर. आपको अगर एक स्टोरी मिलती है, आपको एक राइटर आपकी स्टोरी मिल देता है, तो कैसे आप स्कैन करते हैं मुझे कौन सी स्टोरी चाहिए? क्या आपने कोई फ्रेम बना के रखा होता है कि मैं किस पे काम करूँगा, या जनरली जो भी स्टोरी मिलती है आप उस पर फिल्म बना सकते हैं? स्टोरी मुझे इट शुड अपील मी, मुझे लगना चाहिए कि नहीं अच्छी फिल्म है और इसको वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू अ गुड फिल्म. मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि इस पे फिल्म नहीं बना सकते हैं. इट्स नॉट कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लोगों को भी दिखानी है, लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए वो. सो इट वर्क, मतलब ये सब फैक्टर्स जहन में रखने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि फिल्म बनाए या फिर. अगर हम देखेंगे कश्मीर में बहुत सारा फिक्शन लिखा गया, उर्दू में, इंग्लिश में, कश्मीरी में, तो अगर उन पे नज़र देंगे आप, तो शायद कोई फिल्म, कोई स्क्रिप्ट आपके मन मुताबिक होगा. तो आप चाहते हैं कि उस स्क्रिप्ट में आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के एक नए अंदाज में पेश करें, या एज इट इज़ स्क्रिप्ट रखा जाए? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैंने प्राण किशोर जी की बुक पढ़ी थी, शीन तो वाइथपुर का नाम है, तो आई मुझे बहुत अच्छी लगी और ह्यूमन स्टोरी थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसको एक फिक्शन फिल्म में बनाए, फीचर फिल्म. तो आप, आपको जो ये एज अ फिल्म मेकर, कहाँ वो कौन सा फिल्म थी या वो कौन सा अल्लामा था जहाँ से आपको एक टैग मिला, शबीर साहब द फिल्म मेकर ऑफ कश्मीर? शेफर्ड्स ऑफ पैराडाइज जो मैंने बकरवाल पे बनाई थी, उनकी लाइफ जर्नी पे फिल्म बनाई थी, उसमें नेशनल अवार्ड मिला, प्रेसिडेंट्स अवार्ड जिसे बोलते हैं. सो दैट्स आई थिंक ओनली द हाईएस्ट अवार्ड जो इंडिया में किसी फिल्म को मिलता है, वो मुझे मिला. तो एज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड एज बेस्ट सिनेमाटोग्राफर, विच वाज एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज, क्योंकि आई एम नॉट ए ट्रेंड सिनेमाटोग्राफर, आई एम ए ट्रेंड फिल्म मेकर जैसे डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, बट मुझे उसके लिए दो अवार्ड्स मिले. आपने इंटरनेशनल फोरम में भी काम किया, नेशनल फोरम में भी काम किया, क्या कुछ चीज़ें डिफरेंट लगी आपको नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग में? थैंकफुली मुझे दोनों जगह दे, मैंने वो ऐसी स्टोरी सुनी है कि जहाँ पे आपका वो कमिश्निंग एडिटर बहुत ही हार्श रहता है, वो आपकी पूरी फिल्म चेंज कराता है, बट थैंकफुली मुझे इंडिया में भी आई वर्क विद
फिल्म डिवीजन मिनिस्टर ऑफ आईएनबी एंड अब्रॉड भी जितने भी कमिश्निंग एडिटर्स के साथ मैंने काम किया दे आर वेरी हेल्पफुल दे आर वेरी सपोर्टिव दे अंडरस्टैंड द मीडियम। सत्यजीत रे जो आपने स्कूल का नाम बोला कितना कंट्रीब्यूट कितना रहा उनका कंट्रीब्यूट आपको बनाने में? आई थिंक 100% मैं इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं शुरू में वहाँ पे गया था तो हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं छोटे छोटे, तो जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था 10 शॉट एक्सरसाइज थी हमारी 10 शॉट्स में, तो वो बना के मैं बहुत डिप्रेस हो गया। आई थॉट कि मुझे फिल्म मेकिंग कभी मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं सभी को अपने टीचर्स को बोलता था इसमें ये ऐसा क्यों, इसमें कमी क्या है। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं पहला साल है तो यू विल इम्प्रूव। फिर उसके बाद 5 प्रोजेक्ट्स थे हमारे, तो हर प्रोजेक्ट में मुझे स्कॉलरशिप मिली। आई वॉज अमंग द टॉप 2 फर्स्ट या सेकेंड आता था मैं उसके बाद। सो आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू SRFTI एंड टू माय टीचर्स। तो फेलियर भी एक किस्म का एक सक्सेस ही बनता है अगर देखा जाए तो, हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए तो आगे बढ़ना चाहिए। राइट मतलब आप उसको कैसे ट्रीट करें। अगर मैं चाहता कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो अगर मैंने गिव अप किया होता तो फिर मैं आज कुछ और ही होता, बट मेरे टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया कि नहीं करो, सो आई डिडंट गिव अप। आपके घर में आपकी फिल्म देखी जाती है, आपके लोग देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्रिटिक्स का एक रोल रहा है बना एक फिल्म मेकर को बनाने में, कितना सारा कैसे आप हैंडल करते हैं अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं कोई फिल्म में? अगर मुझे कभी लगता है, आई मीन आई टेक क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिवली कि मुझे लगता है नहीं ये सही बोल रहे हैं, तो देन आई वुड चेंज जितना मुझसे हो सके। बट मैं फिर ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिटिसाइज करे तो मैं चेंज करूँगा, बट आई डेफिनेटली टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली और मैं आई वुड थिंक अबाउट इट। फिर अगर मुझे लगा कि नहीं सच है आई नीड टू ये सच बोल रहे आई नीड टू चेंज, तो मैं आई एम वेरी ओपन टू इट। अच्छा आप अपने आप को एज अ डायरेक्टर शो कर रहे हैं या एज अ डायरेक्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एज अ फिल्म मेकर इन जनरल और एज अ एडिटर? मैं एज ए फिल्म मेकर ही खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मैं एडिट भी मोस्टली अपनी फिल्म्स खुद ही करता हूँ और शूट भी और डायरेक्टर तो मैं हुई, सो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज ए फिल्म मेकर। अच्छा जो हमें यूथ हमारा यूथ बहुत एक चेंज सा आ गया, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक ए फिल्म, तो उनके लिए आप क्या क्या गाइडलाइंस क्रिएट करेंगे आप उनके लिए? आई थिंक थोड़ी सी अगर उनको जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा सा पॉलिश करें, थोड़ी सी गाइडेंस मिले, दे कैन भी उनका कंटेंट बहुत टाइम बहुत अच्छा रहता है बट उनकी प्रॉपर गाइडेंस मिले और थोड़ा सा पॉलिश करेंगे उनके स्किल्स को, देर इज लॉट ऑफ स्कोप। लॉट ऑफ यंगस्टर्स हमारे यहाँ पे जब हम फिल्म बनाते थे सो आवर टीचर वुड वॉच द फिल्म, वो म्यूट करके देखते थे फिल्म क्योंकि उनको हम म्यूजिक लगाते थे फिल्म में, सो विद म्यूजिक एनहेंस होता है फिल्म का क्वालिटी, सो म्यूट करके देखते थे हमारी फिल्म, तो हमारे स्किल्स को जज करने के लिए एज फिल्म मेकर हमारी डायरेक्शन कैसे है। सो आई थिंक वो थोड़ा अगर समझ में आया यहाँ के फिल्म मेकर्स को, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होएगा उनके लिए। तो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम बातें की हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप और हम अल्लाह के सुपर्द।